Alright, so hey YouTube, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. Good morning. अभी time हुआ है सुबह के 7:30 और आज है Tuesday. Tuesday is Monday for me. मेरा आज Monday है. आज से मेरा work start होगा. So Tuesday मेरे लिए Monday रहता है. Like ट्यूसडे ही है लेकिन मैं वर्क स्टार्ट करता हूँ. सो मेरे लिए वो मंडे है. जो आप लोग जो मंडे को फील करते हो वो सब मैं ट्यूसडे को फील करता हूँ. सो अभी बहुत ही सन्नाटा है बाहर. सो मैं जल्दी से चाय बनाकर कुछ नाश्ता, मैं अभी नई चीज़ लाया हूँ, सिनेमन बेगल्स लाया हूँ. पहले मैं मल्टीग्रेन बेगल्स खा चुका हूँ, वो मेरे को अच्छा लगा था. सो इस बार मैं कुछ नया ट्राई करने के लिए सिनेमन बेगल्स लाया हूँ. सो जल्दी से चाय बनाते हैं और बेगल्स में माइक्रोवेव करता हूँ या फिर स्टोव पे गरम कर देता हूँ, जो भी मुझे ठीक लगे. सो जल्दी से वो करते हैं. उसके बाद हर रोज़ मैं पूजा भी करता हूँ. सो वो भी मैं फटाफट चाय चढ़ा के पूजा करके फिर मिलता हूँ मैं आपको. और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ठीक ठाक ही है लेकिन विंडी बहुत है. सो शायद से आज मेरे को थोड़ा सा कवर अप होके जाना पड़ेगा. वैसे तो बस से मैं जाता नहीं हूँ. सो दिक्कत है, इतनी होगी नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं. ये इंडिया से आया है अभी, तो इसका यूज करते हैं. सिनेमन बेगल आज नहीं ट्राई करेंगे. आज मेरे पास ये पड़ा है जो कि 18th of January को एक्सपायर होने वाला है. ये भी सिनेमन हनी लोफ केक है. सो पहले ये निपटा देते हैं क्योंकि 18 तारीख से पहले मेरे को ये खा के निपटाना है. ठीक है, तो अभी ये मैंने रख दिए. अभी ये हो जाए तब तक मैं पूजा कर लेता हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता इतना मेरे पास. ये मैं इंडिया से लेके आया था और अगर आपको मंगवाना हो तो मंगवा सकते हो. यहाँ पे मैंने अभी कहीं पे देखा नहीं है कि कौन से स्टोर में मिलता है लेकिन ठीक है, कहीं पे दिख जाए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. या फिर आप कॉटन्स लेके कॉटन्स को ऐसे रोल करके बना सकते हो या फिर इंडिया में बहुत इजीली मिलता है वो, इंडिया से आप लेके भी आ सकते हो. ये ब्रार्स का देसी घी है. यहाँ पे इंडिया वाला वो घी घर पे बना हुआ नहीं मिलता. सो इसी से काम चलाना पड़ेगा. ये स्टोव करते हैं लो फ्लेम पे क्योंकि यार मैं आज सुबह चाय को ऐसे बिगाड़ना ही नहीं चाहता, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाएगा. ये टेम्पररी सेटअप है बट इट्स रियली गुड और बहुत अच्छी वाइब आती है. आई डोंट नो ऐसे पूजा करने के पीछे का पर्पस क्या है लेकिन मुझे तो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहती है पूरे दिन, इसलिए मैं तो सुबह सुबह करता हूँ.
पूजा हो गई मेरी, तब तक मेरी चाय बन के रेडी है, इसलिए मैं लो फ्लेम पे रख के गया था। अभी मेरी हाई फ्लेम पे होती तो पूरा स्टोव पे चाय चाय हो जाती। तो अभी ये बन के रेडी है, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और आज इसके साथ ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा। बजने वाले हैं और फटाफट मैं फटाफट से नाश्ता करके निकलता हूँ, क्योंकि वो भाई मेरा वेट कर रहा होगा वहाँ पे। एक बांग्लादेशी भाई है, वो मुझे कुछ पिक कर लेता है और ड्रॉप भी कर लेता है, सो मैं उसके साथ ही जाता हूँ। सो ही विल बी देयर अराउंड 8:15, सो 15 मिनट में मुझे निकलना है। सो ये कल मैंने लोफ तो टेस्ट कर लिया था, इट्स रियली गुड, सिनेमन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसमें। सो अगर आप सिनेमन आपको अच्छा लगता है तो आप लाके ट्राई कर सकते हो। सो मैं जल्दी से चाय के साथ ख़त्म करके निकलता हूँ। अभी बाहर बहुत ही विंड है, बाहर मैंने देखा तो वहाँ पेड़ की टहलियाँ बहुत हिल रही थी, सो नीड टू बी कवर्ड। सो मिलते हैं अभी बाहर जा। बहुत विंडी है लेकिन इट्स गुड, क्योंकि सुबह सुबह चलना इज रियली गुड, वार्म अप हो जाता है। और ये हमारी डस्टबिन है, यहाँ पे हम लोग कचरा फेंकने आते हैं। और ये जस्ट ड्राइव थ्रू ATM है, यहाँ पे आप पैसे निकल सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कार से ड्राइव करते करते आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट बाजू में ड्राइव थ्रू है ATM। हाथ में ग्लव्स पहन लेता हूँ मेरे को, नहीं तो चलना है मुझे अराउंड 500 मीटर। So now it's good. So अभी कुछ बजे है 8:10 और अभी भी बाहर अंधेरा ही है। विंटर ऐसा ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक महीना हो गया है शायद, और सुबह सुबह निकलता हूँ मैं तब भी अंधेरा रहता है, जब मैं वापस आता हूँ घर पे तब भी अंधेरा रहता है। So जितनी भी सनलाइट हो, दिन मुझे निकालना पड़ता है, वो सब ऑफिस टाइम में चला जाता है। लेकिन ठीक है, मैं बाहर निकल लेता हूँ वहाँ पे भी, तो ऐसा नहीं है। बाकी सुबह के 8 बजे और रोड पे ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है शायद, सही है, ऑफिस टाइम है तो सब लोग जा रहे हैं। मेरे पीछे है स्टारबक्स और वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है सुबह सुबह। ये है स्टारबक्स और ड्राइव थ्रू में बहुत ही लंबी लाइन हो जाती है सुबह सुबह। ठंड है आज थोड़ी बहुत। सो यही मेरा रूटीन रहता है, सुबह मैं उठ के चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। और ये सब रास्ते में मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब स्नोफॉल होती है
अदरवाइज विंड से ये सब स्नो नीचे गिरी जाती है, सो पूरा कंप्लीट ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इस पर पत्ते वत्ते तो इतनी विंटर में रहने नहीं वाले अभी। सो अभी हल्की फुल्की स्नो गिरी थी, सो ये पूरा वाइट हो गया है। हो, और दिक्कत तभी होती है जब सामने से विंड आ रही होती है, तो वो आपको क्या ब्लॉक कर देती है, और चलने में भी दिक्कत होती है और ठंड भी बहुत लगती है। अगर पीछे से विंड आ रही हो तो इतनी दिक्कत नहीं होती। सो मैं अभी जल्दी से पहुंचता हूं, भाई साहब को कॉल करता हूं और फिर निकलता हूं ऑफिस के लिए, और जितना शूट हो सके मैं करूंगा, क्योंकि ऑफिस में इट्स नॉट गुड टू शूट वीडियो। सो मिलते हैं। सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड फाइनली भाई साहब आ गए। सो अभी मैं जाके बैठ जाता हूँ, बहुत विंडी है आज। तो फाइनली वर्क प्लेस पहुँच चुका हूँ, अभी अंदर जाता हूँ, मिलते हैं अभी ब्रेक में या शूट कर पाऊँ तो, नहीं तो फिर मिलेंगे शाम को आफ्टर वर्क। सो फाइनली काम खत्म, अभी घर जाने का टाइम आ गया है, अभी निकलता हूँ मैं। यस, सो फाइनली भाई ने मुझे ड्रॉप कर दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर। टेम्परेचर बहुत ही अप डाउन हो रहा है, दो तीन दिन से सिंगल डिजिट में ही चल रहा है, लेकिन -4 तक भी पहुँच गया है, और अभी इट्स लाइक डबल डिजिट में हो गया है, और विंड बहुत है, इसलिए मैंने ये निकाल के पहन लिया। इसको मैं साथ में ही रखता हूँ, ये मफलर जैसा है, बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन जब भी यूज़ में आए तभी निकालता हूँ, बिकॉज बहुत ही गर्म है तो बेकार में अनकंफर्टेबल फील करना, इसलिए मैं इसको साथ में रखता हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े तभी निकाल के पहनता हूँ। वैसे ये डायरेक्शन में इतनी विंड नहीं लग रही, क्योंकि विंड मेरे पीछे से आ रही है, और सुबह जब मैं आता हूँ तब विंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि विंड सामने से आती है तो फेस पूरा फ्रीज हो जाता है। अभी शाम के बजे है 7:15, और यही मेरा रोज का टाइम है, इतने बजे मैं पहुंच जाता हूं। पहले तो बस से आता था तो ज़्यादा टाइम लगता था, अराउंड 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। फिलहाल मैं जल्दी से घर पहुंचता हूं। सो फाइनली पूरे दिन काम करने के बाद घर पहुंच चुका हूं। सो वीडियो में अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है डेली व्लॉगिंग का, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। अगर आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे। सो ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अभी मैं फ्रेश होके खाना वाना खा के, मुझे ये वीडियो भी एडिट करना है, एडिट करके अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार, फाइनली साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, और मेरी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मोस्ट प्रोबेबली कल ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।